स्टार्ट करते हैं अपन लोग। पुराने लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ किसके बारे में, थेल्स थ्योरम के बारे में, और जितना भी बेसिक है ट्राइंगल चैप्टर का मैंने सारा कवर अप कर चुका हूँ पिछले पॉइंट में। ठीक है, आज हम लोग इसी से रिलेटेड, मतलब जो थ्योरम 6.1 हमने पढ़ा था, थ्योरम 6.1 का नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, बीपीटी। ठीक है, बीपीटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको एक थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने दिया था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी ट्रायंगल है तो उसका कोई भी एक साइड के पैरेलल आप कोई एक लाइन खींचो जो अदर दो साइड को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और इंटरसेक्ट करने की वजह से इनके साइड्स के जो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे ना, साइड्स सॉरी करस्पॉन्डिंग नहीं, साइड्स के जो रेशियो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने काय में पढ़ा था, थेल्स थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने बताया कि ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, हम लोगों ने क्लास 10th में क्या पढ़ना है और क्लास 9th में क्या पढ़ के आया, क्या बताया था, क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी के बारे में। फिर मैंने तुम लोगों को बताया था कि कोई भी सर्कल्स हो, ऑल सर्कल्स जहां पे बोले, ऑल स्क्वायर्स बोले, तो क्या याद रखना है अपने को, मैंने उसके एग्जांपल बताया था, कुछ साइज दिखाया था कि जो भी शेप एक कॉन्ग्रुएंट शेप कहलाएगा वो क्या होना चाहिए, उसका शेप एंड साइज दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर कोई भी फिगर सिमिलर है तो उसका शेप क्या होगा, सेम होगा, पर साइज सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। उसके साथ साथ मैंने एक नोट का पॉइंट बताया था कि कोई भी ट्रायंगल या कोई भी फिगर क्या हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट जो फिगर है वो सिमिलर हो सकते हैं, पर कभी भी सिमिलर प्रोडक्ट क्या नहीं हो सकते, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। जिसका एग्जांपल मैंने क्या बोला था, 20 रुपए की बिस्लरी की बॉटल ले लो, अगर दोनों बिस्लरी की बॉटल है तो ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट होने के साथ साथ एक दूसरे के सिमिलर भी हैं। अब मैं एक 20 रुपए की बॉटल रखा और एक 10 रुपए की बॉटल रखा, दोनों क्या होंगे, सिमिलर तो है, दोनों सेम सेम दिखेंगे, सेम, पर शेप में क्या होगा, इनका डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट शेप क्या होता है, सिमिलर। ठीक है, तो इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और अब अपन लोग लेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं। इससे पहले मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था तुम लोगों को, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2022 में आया है, मतलब 24 में 100% चांस है, अल्टरनेट ईयर के क्वेश्चन तो तुम ये ले लो, एक तुम्हारा 22 के क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर, एक 22 के पहले 20 को छोड़ के 19 का देखो। ठीक है, क्योंकि कोरोना का टाइम का था तो उस टाइम थोड़ा सा ऐसे ही ऑफलाइन टाइप का एग्जाम था। ठीक है, तो सॉरी ऑफलाइन बोल रहा हूँ, मतलब कि ऑनलाइन एग्जाम था। ठीक है, तो ये सब चीज को छोड़ के जो अपने लोग बता रहे हैं, 22 को तो ये ले लो कि इसका पेपर का क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं तुम लोगों को। ठीक है, तो चलो अब अपन लोग लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ओके होल्ड कर, एक करो तो सिग्नल ले लेना। ठीक है, ओके चलो अब अपन लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, कल हमने जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ा था उसके बेस्ट क्वेश्चन है, उस पे बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग साइड ए बी एंड ए सी। अब तुम लोग को जैसे ही इंटरसेक्टिंग वर्ड याद मैंने यहाँ पे पढ़ा तो तुमको समझ आ गया होगा कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में मैंने क्या बोला था, एक लाइन है जो दूसरे के पैरेलल है और दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब समझ आ गया कि ए बी और ए सी कोई इधर या इधर वाली साइड होंगी। ठीक है, उसके बाद बोला है ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। चलो अपन लोग सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन भी करते जाएंगे, सॉरी कंस्ट्रक्शन नहीं, डायग्राम बनाते जाएंगे। ये क्या है, ट्रायंगल ए बी और सी, एबीसी एक ट्रायंगल है। अब उसमें क्या बोला है कि एक लाइन है, कौन सी लाइन है अभी देखते हैं, इफ अ लाइन इंटरसेक्टिंग साइड ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी को कोई एक लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है जिसका नाम क्या है, डी एंड ई पे। ठीक है, किस पॉइंट पे, एक पॉइंट है डी और एक पॉइंट क्या है ई, मतलब यहां से कोई एक लाइन पास हो रही होगी, ऐसा ही होगा। ठीक है, जो उसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, यहाँ पे बोला है रिस्पेक्टिवली एंड इस पैरेलल टू बीसी, मतलब हमारा डायग्राम सही बना है। ठीक है, पैरेलल बीसी की नहीं होती मतलब गलत हो जाता,
तो हमको प्रूव करना है कि एडी अपॉन एबी, इसका मतलब देखो अब इस बार बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तो यूज करना है, पर ऐसा नहीं है कि सेम इसके अपॉन इसको और इसके अपॉन इसको प्रूफ करो, ये तो हमने कर चुके हैं। अब इस बार क्या है, इस छोटे पार्ट के अलोंग पूरा पार्ट और इस छोटे पार्ट के अलोंग पूरा पार्ट, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, एक मिनट, क्वेश्चन का है एडी अपॉन एबी और एई अपॉन ईसी, ठीक है, एई एसी होगा यहाँ पे, है ना, एई अपॉन एसी, ठीक है, ये प्रूफ करना है। ओके ठीक, तो इस छोटे पार्ट के अलोंग बड़ा पार्ट और इस छोटे अलोंग के अलोंग बड़ा पार्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके। चल, हम लोगों को पता है, वी नो दैट कि हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है बेटा, अगर इसी ट्रायंगल पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाए तो क्या है, एडी अपॉन डीबी, ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ठीक है, एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, एसी इसलिए नहीं है क्योंकि प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। और ये क्या है बेटा तुम्हारी, थ्योरम 6.1, या फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो, थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी थ्योरम, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा देखो, कोई भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करो या किसी भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन में आए, जैसे क्वाड्रिलेटरल या किसी भी चीज का, तो तुमको सबसे पहले तो ये पता रहना चाहिए कि हमको प्रूफ जो करना है वो लाएंगे कैसे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखो, हमको इस पार्ट के साथ ये पूरा पार्ट लाना है, ठीक है, और इस पार्ट के साथ ये पूरा पार्ट। अब एक बात सोचो कि ये पूरा पार्ट लाने के लिए मुझे एडी और डीबी को जोड़ना पड़ेगा ना, और सेम टू सेम एई और ईसी को जोड़ेंगे तब एसी आएगा पूरा, आएगा ना। तो थोड़ा कुछ काम ऐसा करेंगे, मतलब देखो एडी अपॉन डीबी, मतलब यहां पर देखो एडी और डीबी को ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये दोनों जुड़ जाए, ठीक है, दोनों क्या हो जाए, जुड़ जाए, और एई अपॉन ईसी को भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये दोनों जुड़ जाए, ठीक है। चलो थोड़ा सा कुछ काम करते, इतना मैथ्स पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ तो पता है कि हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको उल्टा करके लिखते हैं एक बार, तो और करके इसको मैंने डीबी को ऊपर किया और एडी को कहां किया, नीचे किया, ठीक है। अब उसके साथ साथ एई को ईसी को ऊपर किया और एई को नीचे किया। ओके, अब सोचो बेटा कि इन दोनों को हमको प्लस करना है। अब प्लस ऐसा तो नहीं है कि बस बोल दिया और हो जाएगा कि ऊपर लेके चले गए, तो इसके लिए हमको एक रूल पता है कि अगर हम दोनों साइड, ठीक है, दोनों साइड अगर +1 +1 कर दे तो ये जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके ऊपर चले जाएगा, जाएगा ना। तो देखो, अब ये चले गया इससे मल्टीप्लाई होके, ये भी ऊपर चले गया, तो अब क्या होगा बेटा, डीबी प्लस एडी अपॉन में एडी, ओके, इज इक्वल्स टू यहां पर ईसी अपॉन एई, और ये प्लस में क्या चले गया, ऊपर एई, ठीक है। अब हमको पता है डीबी और एडी, ये देखो डीबी और एडी मिलके क्या बन रहा है, पूरा एबी बन रहा है ना, तो यहां पर मैं डीबी और एडी के जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, एबी अपॉन एडी, ठीक है, ईसी और एई के अपॉन में क्या है बेटा, एसी, मतलब पूरा एसी है, और ये क्या हो गया, एई, ठीक है। आया क्या आंसर, अभी नहीं आया है, एडी अपॉन एबी चाहिए, हमारा तो उल्टा है, तो हम इसको फिर से उल्टा कर देते हैं, तो ये ऊपर चले गया, और तो ये क्या हो गया बेटा, एडी अपॉन एबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी एसी, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इतना सा काम था कि तुमको एक बार ऊपर पहुंचाना है, और ये बहुत इजी सॉल्यूशन है, और ये आया हुआ भी है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन कब आया है, ये आया है 2022 में आया हुआ है, ये भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, पक्का ये बीपीटी थ्योरम के और में आया होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है, इसको लिख लो तुम लोग, ओके, रूल्स इसमें जो भी लग रहे हैं ये तुम्हारे 9th के कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे कि तुम लोगों को पता रहना चाहिए कि व्हाट इज एडजेसेंट एंगल, व्हाट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल, व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, फिर इंटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल क्या है, ठीक है, ये सब चीज का पता रहना चाहिए। एक लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, रे क्या होती है, ठीक है, वर्टेक्स क्या होती है, और एक क्या पढ़ते हैं अपना, आर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, इनके आर्म्स, ठीक है। तो वो सब चीज छोड़ो, अब 9th को छोड़ दो, गोली मारो, अभी अपन इधर देखते हैं क्या है ये। इन द गिवन फिगर, क्या बोला है कि जो गिवन फिगर दिया, इसमें ट्रायंगल ओडीसी किस, ये क्या है, ये किस चीज का सिंबल है,
सिमिलर। देखो नाइन्थ में हमने पढ़ा है कि ये किस चीज का सिंबल है, सिमिलर। और यही सांप अगर दो डंडे के ऊपर लेट जाए तो ये क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट और ये सिमिलर। ठीक, ओके। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ये ट्रायंगल जो है वो क्या है, सिमिलर। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसकी बात हो रही है शायद, हो रही है ना। ओके, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी 125 डिग्री है, एंगल सी डी ओ इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो फाइंड एंगल डॉक, एक मिनट है ना, अपन लोग क्या करते हैं कि ये जो एंगल फाइंड करने बोला है, देखो एंगल डॉक फाइंड करने बोला है, एंगल डॉक का है एंगल डी ओ सी, ये देखो या एंगल फाइंड, इसको मैं मान लेता हूं क्या x। ओके, एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ तो इसको मान लेते हैं y। ठीक, अब उसके बाद एंगल ओ ए बी, ओके एंगल ओ ए बी, ठीक है z। अब सुनो, अगर हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो हमको पता रह जाना चाहिए कि कभी भी हम लोग नाइन्थ में क्या पढ़े कि कभी भी दो पैरेलल लाइन को कोई एक तीसरी लाइन काटती है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्सल क्या करती है, देखो फिर से बताना ही पड़ेगा नाइन्थ का कंसेप्ट, कि ये दो लाइन है जब इसको एक लाइन काटती है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये इसकी वजह से ये ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म करती है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठ एंगल फॉर्म करती है। अभी आठ एंगल में से देखो, अगर कोई भी लाइन का याला एंगल है तो वो इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर याला एंगल है तो इस एंगल के इक्वल रहेगा, ऐसे ऊपर भी यही सेम चलता है। तो अब देखो, सपोज मान लो कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। अब इसको देखो, जैसे ये सेम टू सेम वही लाइन है, अब याली लाइन इधर बढ़ा दू, मैं इसका इधर बढ़ा दू तो एंगल वाई, अगर ये आला एंगल है तो वो इसके इक्वल हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी देखो ये आला एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब एंगल वाई और एंगल जेड एक दूसरे के इक्वल हो गए, ठीक है। नाइन पढ़े हो गए, एकदम पॉइंट में समझ आ जाता है सबको कि वाई एंगल जेड एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, इसलिए वाई जितना होगा उतना ही क्या होगा, जेड होगा। अब मैंने एक और चीज पढ़े है अपन नाइन्थ में कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो एंगल याला है उसका इक्वल ये होगा, पता है। और उसके साथ साथ ये एंगल जो होगा वही एंगल ये होगा। तो देखो, अगर एंगल y, सॉरी एंगल यहाँ पर 125 है तो इधर भी क्या होगा, 125, और यहाँ जो बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है। ये नाइन्थ का बेसिक था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं उसके हिसाब से। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले तो हमको जो गिवन दिया है वो देख लेते हैं, ठीक है। गिवन में हमको दिया है ट्रायंगल ओडीसी जो है वो किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ओबीए के, ठीक है। ट्रायंगल ओबीए के इक्वल है, उसके साथ साथ एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 125 डिग्री, ओके, और एंगल सीडीओ इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ओके। अब जो हमको फाइंड करना है वो एंगल क्या क्या है, एंगल डॉक्स और डीसीओ और ओबी। तो हम लोगों ने मान लिया है कि एंगल डीओसी जो है वो क्या है, एक्स, ठीक है। एंगल डीसीओ इज इक्वल्स टू वाई और एंगल ओएबी इज इक्वल्स टू जेड, ये एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो नाउ अब देखो, यहाँ पे दूसरा पेन यूज करता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। अब देखो, सबसे पहले बेटा हमको पता है कि अगर ये 125 है तो इसका बचा हुआ पार्ट को माइनस कर देंगे 180 से तो पता चल जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है, ठीक है। मतलब कौन कौन सा एंगल, देखो कौन कौन सा एंगल, एंगल डी ओ सी और एंगल सी ओ बी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बाकी सब चीज भूल जाओ, क्या भूल जाओ, ये लाइन भूल जाओ, ऊपर सब भूल जाओ। तो ये कुछ ऐसी लाइन बन रही है, देखो साइड से देखना, तो ये एक ऐसी लाइन बन रही है ना यहाँ पर। तो ये बेटा कोई भी स्ट्रेट लाइन पे कोई एक लाइन आती है तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, मतलब ये एंगल जितना होगा उतना ही ये होगा, ठीक है। सॉरी उतना ये नहीं होगा, मतलब ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी ये कितना है,
180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर की वजह से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से। ठीक, अब इधर देखो, हमको इनमें से किसी एक की वैल्यू पता है, हमने डीओसी को क्या माना था, एक्स माना था, ठीक है, तो वो तो पता करना है हमको, इसको एक्स को पता करना है, प्लस एंगल सीओबी की वैल्यू कितनी है बेटा, 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो मुझे एक्स पता चल जाएगा जब इसको मैं उस साइड भेजूंगा, तो ये 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री, ठीक है, ये 125 है, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, मतलब x इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, इसका मतलब है कि तुमको एंगल कौन सा पता चल गया, डॉग पता चल गया, जो कि कितना है 55 डिग्री, ठीक है, वहां समझ आ गया, इतना काम खत्म। अगर बेटा ये 55 है, ठीक है, तो अब बाकी का देखते हैं, अब हमको क्या पता करना है, हाँ आप सुनो, तुमको पता है कि एक ट्रायंगल कितने डिग्री का होता है, पूरा टोटल 180 डिग्री, इसका मतलब है कि कोई एक ट्रायंगल है, मैं रफली इधर बताते जा रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल कुछ भी हो सकते हैं, पर इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, इन ट्रायंगल, अब देखो इन ट्रायंगल, एक मिनट, इन ट्रायंगल डीओसी, ठीक है, इन ट्रायंगल, एक मिनट यहां का ले लेते हैं ना, इन ट्रायंगल ओडीसी, ठीक है, अब इस ट्रायंगल में देखो, मुझे ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, अब इसको पता करना है तो ये टोटल को प्लस करके माइनस कर देंगे 180 से, समझ आ जाएगा कि इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डीओसी, अब एंगल नापते हैं, ठीक है, सबसे पहले कौन सा एंगल दिया है हम लोगों को, एक मिनट, एंगल सीओडी प्लस एंगल सीडीओ, ठीक है, एंगल सीडीओ, और एक क्या बचा, ओ भी आ गया बीच में, डी भी आ गया, अब एक डीओसी ले लेते हैं, डीसीओ, ठीक है, डीसीओ, और ये तीनों एंगल किसके बराबर है, 180। अब क्या लिखा है, ऐसा भगवा के देखना नहीं है तुम लोग को, यहाँ देखो, ये एंगल और ये एंगल को लाना था हमको सम करके, तो मैंने वही किया हूं, एक बार डी आया है बीच में, देखो एक बार सी भी आया है बीच में, और एक बार ओ भी आया है, घुमा घुमा के लिख दो, एक बार सीडीओ लिख दो, मन है तो ओडीसी लिख दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, हमको तो ये तीन एंगल को जोड़ना था, इसका मतलब है सबसे पहले तो देखो, जिसमें ओ आया है वो कहाँ आया है, ये क्या था, एक्स, और डी क्या था हमारा 70 डिग्री, और ये मैंने अभी डीसी, ये वाई, ठीक है, अब इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमको एक्स की वैल्यू भी पता है, अब भी पता की है 55 डिग्री प्लस 70 डिग्री y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये दोनों को जोड़ोगे कितना होता है 125 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब ये जो रफ स्केच किया है इसको साइड में करते हैं थोड़ा, ठीक, अब इधर देखो बेटा, इसको y को किधर रखोगे, इसी साइड रखो, और इस साइड गया तो वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 1 कितना बोला है 25 ना, सॉरी 125, फिर से ये 55 आ रहा है क्या, ठीक है, ये भी 55, मतलब पूरे एंगल आने वाले हैं 55 पे ही लग रहा है, तो y भी आ गया 55, और y 55 आ गया, मतलब ये DOC भी पता चल गया कितना है 55। अब भैया जब y 55 है तो ये z भी 55 होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को ये भी मिलने वाला है 55, तो ये लिख देता हूं मैं कि एंगल DCO ना, एंगल DCO इज इक्वल्स टू एंगल OAB, एंगल OAB, यही तो पता करना था क्या, हाँ, एंगल OAB ये क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बेटा, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों क्या होते हैं, समान, मतलब सेम, 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, सॉरी बोलो कुछ लिखो कुछ, ठीक है, तो ऐसे इजीली ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया, यहाँ पे बड़ा सा लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, खत्म। अच्छा फाइंड करने बोला था, प्रूव करने नहीं बोला था, तो इसको कर देना डिलीट, अब हमारा स्मार्ट बोर्ड है नहीं, ठीक है, ओके, तो यहाँ लास्ट में लिख देना, सो द वैल्यू, सो द एंगल्स, सो द वैल्यू ऑफ एंगल डीओसी डीसीओ एंड ओएबी इज दिस दिस एंड दिस, ओके, ठीक है, हेंस प्रूव नहीं लिखना, यहाँ प्रूव करना नहीं था, ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, रात रात भर घूमेंगे तो कहाँ समझ आएगा हमको, है ना,
शांति से घर में रह बैठते तो सब समझ आता। ठीक, ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं तो थ्योरी बेस्ड आएंगे, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो एक दो क्वेश्चन हो गए, आई होप इतना सफिशियंट है तुम्हारे ट्रायंगल चैप्टर के लिए। एक दो क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी बेस्ड है, जिसको तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और यहाँ पर चैप्टर ट्रायंगल हो जाता है खत्म। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पुराने चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट अब तुम्हारे हिसाब से होगा, वो क्या पढ़ना है अपने को। ठीक, ओके, आज के लिए बस इतना ही।